साथियों, आज 24 नवंबर 2017 को पुणे में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है एथेनॉल एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल, यानी कि परिवहन ईंधन के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर नितिन गडकरी जी की मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, पुणे में है और आज शुरू हुआ है। और ये मंत्रालय की ओर से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, कई संस्थाएं हैं इससे जुड़े हुए हैं और एक संस्था जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी IFGE, ये भी एक संस्था है जो इस मंत्रालय के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की जिम्मेदारी ली गई है। हम जानते हैं कि गडकरी जी मंत्री तो हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और उनका ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसमें कोई हमारी आपत्ति नहीं है। पर ये जो दूसरी संस्था है IFGE, ये अजीब सी संस्था है। ये संस्था 4 साल पहले खोली गई, 2013 में नवंबर में, और इसके 50% मालिक गडकरी जी के निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी वैभव डांगे हैं। मंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी जो एक ABVP और RSS के कार्यकर्ता हैं, वो मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, 3.5 साल से लगे हुए हैं। ABVP और RSS से उनका बिल्कुल रिश्ता है, उसका सपूत भी हम दिखाएंगे। और इन्होंने ये संस्था खोली IFGE। जब IFGE का स्थापना हुई थी 4 साल पहले, इस संस्था के साथ बिल्कुल कैश जीरो था, कोई कैश नहीं था। आजकल सारे भारतवासियों के पास कैश नहीं है, पर तब IFGE के पास बिल्कुल शून्य कैश था, नोट बिल्कुल नहीं था। आज जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जानकारी हमने हासिल की है और ये वेबसाइट पर मिल सकता है, इस संस्था को 4 साल के अंदर करीब 1.5 करोड़ कैश बैलेंस है। 4 साल पहले शून्य और आज 1.5 करोड़ कैश बैलेंस। कॉर्पस, एक संस्था का एक कॉर्पस होता है, 4 साल पहले शून्य कॉर्पस, बिल्कुल नहीं, और आज कॉर्पस करीब 1.3 करोड़, यानी कि मानकर चलिए 1.5 करोड़। कॉर्पस जीरो से लेकर 1.5 करोड़, कैश बैलेंस जीरो से लेकर 1.5 करोड़। और इस संस्था से कौन जुड़े हुए हैं? नितिन गडकरी, सुरेश प्रभु, वरिष्ठ मंत्री, काबिल मंत्री, और वैभव डांगे निजी सचिव के पद पर बैठे हुए हैं और ये कारोबार चला रहे हैं। ये एक और मिसाल है मोदी सरकार में जो भयंकर स्वार्थों का विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है। अमित शाह के बेटे के बारे में पहले हमको देखने को मिला,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे शौर्य दोवाल के बारे में हमें देखने को मिला, और आज हम देख रहे हैं नितिन गडकरी जी के निजी सचिव के बारे में। मैं तो कहता हूं कि ये स्वार्थों का विरोधाभास सिर्फ वैभव ढांगे मिसाल नहीं है, पर नितिन गडकरी जी भी एक मिसाल है, सुरेश प्रभु जी भी एक मिसाल है। ये आचार मंत्रियों पर जो लागू होता है आचार संहिता, उसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। ये IFGE आज अखबार में आया है कि जब जांच शुरू हुई तब वैभव डांगे ने इस्तीफा दे दिया डायरेक्टर के पद से, पर आज तक अभी तक IFGE के 50% मालिक वैभव डांगे हैं। डायरेक्टर तो नहीं है पर मालिक, आधे मालिक तो वही हैं। और ये IFGE का ऑफिस कहाँ है? हर एक संस्था को एक ऑफिस होना चाहिए। ये IFGE का ऑफिस टॉलस्टॉय मार्ग पर है, और जिस कमरे में ये संस्था काम करती है उस कमरे के मालिक कौन है? एक बोरटकर साहब, बोरटकर। और ये बोरटकर साहब कौन है? ये वही बोरटकर हैं जो जाने माने, दुनिया में जाने माने कंपनी पूर्ति के एक डायरेक्टर हैं। और पूर्ति किसकी कंपनी है? पूर्ति तो पूरी तरह से गडकरी जी के परिवार से जुड़ी हुई है। पूर्ति के बारे में एक CAG का रिपोर्ट भी आया था, इस पर पार्लियामेंट में चर्चा भी हुआ था। गडकरी जी ने अपनी वकालत तो की पर कुछ सवाल के जवाब नहीं दिए। और पूर्ति के एक डायरेक्टर बोरटकर, बोरटकर का एक कमरा टॉलस्टॉय मार्ग में, उस कमरे में वैभव डांगे की संस्था। कौन वैभव डांगे? नितिन गडकरी के निजी सचिव। हम चार सवाल उठाना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये एक मिसाल नहीं है जहां दो वरिष्ठ मंत्रियों से, नितिन गडकरी और सुरेश प्रभु से, मंत्रियों पर जो लागू होता है आचार संहिता उसका उल्लंघन नहीं हुआ है? क्या ये ऐसा मिसाल नहीं है जो स्वार्थों का विरोधाभास नहीं दर्शाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दर्शाता है? ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये नहीं बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि गडकरी जी के निजी सचिव के द्वारा जो अफसरों पर लागू होता है आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, क्या उसका उल्लंघन नहीं हुआ है? तीसरा सवाल, गडकरी जी कैसे इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि उन्हीं के मंत्रालय, उन्हीं के निजी सचिव की संस्था को समर्थन दे रही है, जिसका मैंने एक
मिसाल दिखाया है। आज पुणे में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है और तीन चार पहले भी ऐसे मिसाल हैं जहां गडकरी जी की मंत्रालय गडकरी जी के निजी सचिव को समर्थन देती है। और हम तो जानते हैं कि गडकरी जी बड़े काबिल मंत्री हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, करते रहते हैं, बड़े काबिल हैं, पर मैं नहीं समझता था कि नितिन गडकरी जी धृतराष्ट्र के माफिक अपने मंत्रालय चला रहे हैं, कि वो नहीं जानते कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। उनकी पूरी जानकारी है वैभव डांगे कौन है। वैभव डांगे आरएसएस से जुड़े हुए हैं और मोहन भागवत जी के साथ उनका एक फोटो भी है, दिखाइए ना। एबीवीपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। और ये हम ये नहीं स्वीकार कर सकते। ये देखिए, मोहन भागवत जी हमारे देश के बड़े बुद्धिजीवी और उनके साथ वैभव डांगे बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल हम स्वीकार नहीं कर सकते कि गडकरी जी को कोई जानकारी नहीं थी उनके निजी सचिव के कारनामों के बारे में। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। और हमारा चौथा सवाल ये है कि बार बार ये जो मिसाल निकल के आ रहे हैं शौर्य दोवाल के बारे में, जय शाह के बारे में, अब ये वैभव डांगे के बारे में, क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करप्शन का दूसरा नाम है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने दूंगा, ये नहीं हो सकता। अलग अलग तरीके के करप्शन हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करप्शन का एक बिल्कुल साफ नमूना है। और एक मिसाल नहीं, अनेक मिसाल हैं जिसमें व्यक्ति तो जुड़े हुए हैं पर मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इंडिया फाउंडेशन के साथ सुरेश प्रभु जी जुड़े हुए हैं, जयंत सिन्हा जुड़े हुए हैं, निर्मला सीतारमण जुड़ी हुई हैं, और आज हम देखने को मिल रहा है कि इसमें सड़क परिवहन और राज्य मंत्री का बिल्कुल रिश्ता हम ये नहीं मान सकते कि उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अंत में ये सब कागजात मिल गए हैं, जो ये सब कागजात आपको मिल गए हैं, आपने तो फोटो देख लिया होगा, ये झूठ नहीं कह सकते। ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेबसाइट का यही खतरा है कि कोई भी व्यक्ति वेबसाइट को जा सकता है और वहां से जानकारी हासिल कर सकता है। और जो कोई जानकारी मैंने आपको दी है ये IFG के बारे में, ये कोई गुप्त जानकारी नहीं है, ये सब वेबसाइट पर हासिल है, वेबसाइट पर है। और डांगे जी का इस्तीफा देना, जांच जब शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, तो बचने के लिए उन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया, पर ये वेबसाइट झूठ नहीं बोल सकता कि 50% ओनर यानी कि 50% मालिक IFGE के नितिन गडकरी जी के निजी सचिव वैभव डांगे हैं। वैभव डांगे तो एक व्यक्ति हैं, ये तो RSS का असली रूप है, मंत्रियों का असली रूप है, मोदी सरकार का असली रूप है। हाँ ठीक, हाँ जी।
एक तो वैभव डांगे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं मान सकते कि नितिन गडकरी को यह जानकारी नहीं थी। आज देखिए, आज पुणे में हो रहा है कॉन्फ्रेंस 24 नवंबर, और यहां लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और यहां लिखा हुआ है IFGE, दोनों ने आयोजन किया है। तो दूसरी मांग यह है कि नितिन गडकरी जी स्पष्टीकरण दें कि कैसे उन्होंने वैभव डांगे को रखा, जब उनको पूरी जानकारी थी कि ये IFGE उन्हीं के मंत्रालय से, अलग अलग मंत्रालय तो हैं पर उन्हीं के मंत्रालय से समर्थन ले रही है। मैं एक और मंत्रालय का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि उस मंत्रालय से हमारे देश के कई बेरोजगार नौजवानों को समर्थन मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके भी काबिल मंत्री पीयूष गोयल हैं। पहले तो पीयूष गोयल जी ने अमित शाह के बेटे को बिना कोई कोलैटरल के 10 करोड़ रुपया दे दिया, और अब इस IFGE को भी समर्थन देने में वो लगे हुए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल्कुल परफेक्ट नमूना है, इससे और कोई आपको मिसाल नहीं मिल सकता। इंडिया फाउंडेशन भी एक ऐसा ही नमूना था। जय शाह न केवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नमूना था, पर बिल्कुल क्रोनी कैपिटलिज्म का भी एक नमूना था। तो नितिन गडकरी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने निजी सचिव को अनुमति दी कि ये वो संस्था चलाएं, और ये बोरटकर कहां से आए, ये बोरटकर बीच में कैसे आ गए कि उन्होंने IFGE को अपना कमरा दिया टॉलस्टॉय मार्ग पर, और ये बोरटकर है कौन, पूर्ति के डायरेक्टर, पूर्ति के मालिक हैं कौन, निखिल गडकरी, निखिल गडकरी हैं कौन, नितिन गडकरी के बेटे। तो सब ये सब जो जाल फंसा हुआ है, सब जाकर गंगोत्री गडकरी है। अरे मैंने तो यही कहा, रामायण के बाद आप पूछ रहे हैं, मैंने यही कहा ग्लोबल बैम्बू समिट इसका समर्थन किसने किया, कॉन्क्लेव ऑन ग्रीन पोर्ट ऑयल स्पिल मैनेजमेंट इसका समर्थन किसने किया। ये आज जो हो रहा है एथेनॉल का, इसका समर्थन किसने किया। ये देखिए, ये IFGE नरेंद्र मोदी स्टाइल स्टार्टअप है। नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, जय शाह स्टार्टअप इंडिया के नमूना है, शौर्य दवाल स्टार्टअप इंडिया के नमूना है, और ये वैभव डांगे भी उसी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। 3.5 साल में, 4 साल से भी कम हुए हैं, एक फेडरेशन खोला जाता है बिना कोई कैश, उस कैश उन खाते में कोई पैसा नहीं है, और 3.5 साल बाद उस खाते में 1.5 करोड़ रुपया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेबसाइट डिजिटल इंडिया का एक नतीजा है कि सभी नागरिकों को ये जानकारी मिल सकती है। 3.5 साल के अंदर बैंक के खाते में पैसा नहीं है और आज 1.5 करोड़ है। कॉर्पस शुरुआत में बिल्कुल था नहीं कुछ, और आज करीब 1.5 करोड़ है। ये पैसा कहाँ से आया, मंत्रालय से तो आया है, मंत्रालय से जुड़े हुए संस्थाओं से आया है, कंपनियों से आया हुआ है, और हमारे भारत के कंपनी कोई मूर्ख नहीं है,
वो देखते हैं किन किन चेहरे इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, द फोटोग्राफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, कौन कौन जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी, ये देखिए नितिन गडकरी, दिखाइए फोटोग्राफ। सुरेश प्रभु, दो बड़े वरिष्ठ काबिल मंत्री। और सेकंड पेज पर देखिए, दूसरा पन्ना निकलवाइए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति, आनंद महिंद्रा, राजीव बजाज, वेलयन, सब देखिए वो फोटोग्राफ। ये है क्यों यहाँ? इसलिए क्योंकि ये संस्था नितिन गडकरी और सुरेश प्रभु जी की छत्र छाया में खोला गया है। अगर ये दो फोटो नहीं थे, ये फोटो नहीं होते। तो जो आपका सवाल है, ये पैसा कहाँ से आया है? आसमान से नहीं आया है, मंत्रालयों से आया है, सरकारी संस्थाओं से आया है। और क्यों आया है? क्योंकि इससे दो वरिष्ठ काबिल मंत्री जुड़े हुए हैं। इस कांड में दो मंत्री जुड़े हुए हैं। शौर्य दवाल कांड में सुरेश प्रभु, जयंत सिन्हा, निर्मला सीतारामन जुड़े हुए थे। इस कांड में नितिन गडकरी और सुरेश प्रभु जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं भी मंत्री रह चुका हूं, हम लोग कई लोग मंत्री रह चुके हैं। जब आप मंत्री बनते हैं, जब कोई संस्थाएं हैं उससे आप रिश्ता नहीं रखते। एक आचार संहिता होता है मंत्रियों के लिए। और इंडिया फाउंडेशन में और IFGE में मंत्रियों द्वारा, डांगे को छोड़िए, मंत्रियों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। विरोधाभास, स्वार्थों का विरोधाभास है, हुआ है। आप मंत्री हैं और आप ही के मंत्रालय से आपके निजी सचिव को पैसा दिया जाता है। ये कैसा स्टार्टअप इंडिया है?